بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. ہم نے ایچ ایس کے ون کے تین اسباق پڑھے، آج ہم لیسن فور پڑھیں گے. آئیے سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے نیچے دی گئی دعا کو کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کی برکت سے جو کچھ پڑھیں گے وہ یاد رہے گا. آئیے ہم بھی مل کر اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. رضائے الٰہی عزوجل کے لیے پڑھوں گا، کلاس کے تمام جدول پر عمل کروں گا، کلاس کے دوران موبائل فون استعمال نہیں کروں گا، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کروں گا، مکمل توجہ سے سبق سنوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا. آج کا ہمارے اس لیسن کا ٹاپک ہے تھاش وودا ہن لاؤش. تھاش وودا ہن لاؤش سب سے پہلے لکھا تیسک. تیسک کہتے ہیں لیسن فور. تیسک تیسک لیسن فور. تھاش وودا ہن لاؤش. تھاش وہ ہے، وودا میرا، ہن چائنیز لاؤش ٹیچر. وہ میرا چائنیز ٹیچر ہے، وہ میرا چائنیز استاد ہے. اس سبق میں ہم سب سے پہلے اس کے نیو الفاظ پڑھیں گے، اس کے بعد انہیں نیو الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کچھ ڈائیلاگس، کچھ جملے پڑھیں گے. پھر اس سبق میں استعمال ہونے والے کچھ گرامر کے پوائنٹس پڑھیں گے، اور آخر میں ہم ٹونز کی پریکٹس کریں گے. آئیے ان سبق کے نیو الفاظ کو پڑھتے ہیں. میں ہر سبق کے نیو ورڈس کو تین تین بار پڑھوں گا. آپ تمام اسٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو ٹونز کا خیال رکھتے ہوئے دہراتے جائیے. سب سے پہلا ورڈ ہے تھا. تھا 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 کہتے ہیں وہ، ہی. اس کا مطلب ہے وہ، ہی. یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا ورڈ بھی تھا ہی ہے، یہ والا دوسرا ورڈ بھی تھا ہی ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ مردوں کے لیے اور یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا ورڈ ہے شے. شے 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 کا مطلب کون. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے شے. شے کا مطلب کون. اگلا ورڈ ہے د. د د د کہتے ہیں کا، کی یا کے لیے، اور یہ اگلا ورڈ ہے ہن.
汉语ये चाइनीज जुबान को कहते हैं। यु जो अगला वर्ड है, यु ये जुबान को कहते हैं, लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज के साथ ये इस्तेमाल होता है। यु हन यु। अगला वर्ड है ना ना ना, इसका मतलब है कौन सा या कौन सी या कौन से, ये मुख्तलिफ मैने में इस्तेमाल होता है मौका के मुनासिबत से। अगला वर्ड है को को को, को कहते हैं कंट्री को, मुल्क को। अगला वर्ड है न न न न, ये सवालिया जुमले के आखिर में आता है। अगला वर्ड है थोंग शुए, ये आप तमाम स्टूडेंट में साथ साथ इन अल्फाज को दोहराते जाइए टोन्स का ख्याल रखते हुए। थोंग शुए थोंग शुए थोंग शुए, थोंग शुए का मतलब हम जमात, क्लास फेलो, क्लासमेट। अगला वर्ड है फंगयो फंगयो फंगयो, फंगयो कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड को। यहाँ तक हमारे इस सबक के न्यू अल्फाज मुकम्मल हुए। आइए इन तमाम अल्फाज को एक दफा फिर दोबारा से दोहराते हैं। पहला वर्ड है था, था या करेक्टर की पहचान रखे कि जो था मोनस वाला और था मुजक्कर वाला, दोनों के जो तलफ़ुज है वो सेम है लेकिन करेक्टर में फ़र्क है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहले वाला था है ये मोनस के लिए इस्तेमाल होता है औरतों के लिए, वो जो दूसरे वाला था है ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है शे शे, शे का मतलब कौन। अगला वर्ड द, का की के मैने में हंग यू चाइनीज जुबान। ना ना कौन सा या कौन सी, को मुल्क कौम, न न न न कहते हैं सवालिया जुमले के आखिर में ये इस्तेमाल होता है। थोंग शुए थोंग शुए थोंग शुए, थोंग शुए कहते हैं हम जमात को, क्लास फेलो को। अगला वर्ड है भंग फंगयो 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 मतलब दोस्त, हम जमात। यहाँ तक इन अल्फाज के किसी का कोई मतलब समझ ना आया हो या इसका कोई तलफ़ुज समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है। जी आइए अब हम इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इनके कुछ डायलॉग पढ़ते हैं। ख वन ई टेक्स्ट नंबर वन, टेक्स्ट वन ख वन ई। था शे वो कौन है। जी आप भी पढ़िए, मिलकर पढ़िए इस जुमले को। था शे वो कौन है, था शे वो कौन है। आगे था शे वो दा हन यू लाओ शे,
他是我的汉语老师，他叫李月，他叫李月，他是我嘿我的米拉汉语Chinese老师teacher，他是我的汉语老师，我米拉Chinese teacher，他叫李月，他叫李月。 उसका नाम ली युए है या उसको ली युए के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर ली युए ये चाइनीज नेम है, आप यहाँ पर कोई भी अल्फाज कोई भी नेम जिक्र कर सकते हैं, जैसे था चाओ आली, था चाओ उमर, था चाओ हसन, यहाँ पर आप कोई भी नाम इसकी जगह जिक्र कर सकते हैं। जी इस डायलॉग को कौन पढ़ेगा? जी माशाल्लाह आप पढ़ के सुनाइए। जी मैं एक दफा इसको दोबारा पढ़ता हूँ। थाशी शे वो कौन है? थाशी वोदा हंगयू लाउशी था चाओ लीयू, वो मेरा चाइनीज टीचर है, उसका नाम लीयू है।课文二 Text 2 你是哪国人？जी आप भी पढ़िए। 你是哪国人？ 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 你是 तुम हो ना कौन से को मुल्क रन आदमी, आप किस मुल्क के रहने वाले हो, आप किस मुल्क के रहायशी हो। वॉश मैक्वा रन, मैक्वा कहते हैं अमेरिका को। वॉश मैक्वा रन, वॉश मैक्वा रन, मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ या मैं अमेरिकन हूँ, मैं अमेरिका का रहायशी हूँ। नीना नीना ये अंदाज़ आप नोट कर लें, नीना वाला। इसमें जैसे एक शख्स ने सवाल किया, जो ए पर्सन था उसने सवाल किया कि आप किस मुल्क के रहायशी हैं, तो बी ने जवाब दिया मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। और आप ये जो अंदाज है यहाँ पर न को इस्तेमाल करते हैं कि निश नाक्वारन वश मैक्वारन नीना। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं कि एक शख्स अगर दूसरे से पूछे कि आप कैसे हैं तो वो जवाब देता है मैं ठीक हूँ और आप, तो ये वाला जो अंदाज है इस चाइनीज में न के जरिए इसको जाहिर किया जाता है। तो ए ने जवाब दिया वॉश चुंकवारन, वॉश चुंकवारन, वॉश चुंकवारन, वॉश चुंकवारन, मैं चाइनीज पर्सन हूँ, मैं चाइना का रहने वाला हूँ। जी इस डायलॉग को कौन पढ़ के सुनाएगा? जी तमाम मिलकर पढ़िए इसको। जी माशाल्लाह मैं एक दफा फिर इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। खवन अर निश नाक्वारन वॉश मैक्वारन नीन वॉश चुंक्वारन खवन सान खवन टेक्स्ट 3 खवन सान टेक्स्ट 3 他是谁？我滚嘿！他是我同学，他是我同学，他是我同学，他是我同学，他是我同学，
वो मेरा क्लासमेट है। फिर ए ने सवाल किया था ना, और वो इस अंदाज को भी आप नोट कर लें। पहले ए ने सवाल किया था शे, बी ने जवाब दिया था शु वो थोंग शे, वो मेरा क्लास फेलो है। फिर ए ने ही फौरन सवाल कर दिया था ना, और वो शख्स और वो बंदा था शु नी थोंग शे मा, क्या वो भी तुम्हारा क्लास फेलो है। था शु नी थोंग शे मा, था शु नी थोंग शे मा, क्या वो तुम्हारा क्लास फेलो है। था बोश वो थोंग शे, था बोश वो थोंग शे, वो मेरा क्लासमेट नहीं है। था शु वो फंग यो, था शु वो फंग यो, वो मेरा दोस्त है। जी इस डायलॉग को कौन पढ़ेगा? इसको सब स्टूडेंट्स मिलकर पढ़ें। जी मैं एक दफा फिर इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कवन सान था शु शे, था शु वो थोंग शे, था ना था शु नी थोंग शे मा, था बु शु वो थोंग शे, था शु वो फंग यो। यहाँ तक हमने इस लेसन नंबर 4 के न्यू अल्फाज और उनसे इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ जुमलों को पढ़ा। आइए हम इस सबक के ग्रामर के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला वर्ड है शय, पहला वर्ड कौन सा है? शय। शय ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, सवालिया ज़मीर है, किसी शख्स से उसकी पहचान या उसका नाम पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है, उसकी आइडेंटिटी पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखें, पहली मिसाल है शे शे लीजे। लीजे कौन है? शे का मतलब कौन, लीजे यहाँ पर नाम है। आप बोल सकते हैं शेष आली, शेष हसन, शेष उमर, मतलब आप यहाँ पर कोई भी नाम जिक्र करके जुमला बना सकते हैं। दूसरी मिसाल देखें, जैसे था शे, आप शय को शुरू में भी लाकर सवाल कर सकते हैं और शय को आखिर में भी जिक्र करके सवाल कर सकते हैं। जैसे पहली मिसाल में शय को शुरू में इस्तेमाल किया गया, शेष लीजुए, लीजुए कौन है, और दूसरी मिसाल में शय को आखिर में जिक्र किया गया, सवाल किया था शय वो कौन है। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा लफ्ज है ना का मतलब कौन सा या कौन सी। ना ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये सवाल करने के लिए आता है, किसी चीज के बारे में सवाल करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पर अगर आप पहली मिसाल देखें, पहले क्या लिखा हुआ है, ना पन पन, यहाँ ब्रैकेट में इसकी फिनियल लिखी हुई है, ना पन शू शू, शू कहते हैं किताब को, पन ये किताब के लिए बुक्स के लिए इस्तेमाल होने वाला मैयर वर्ड है। ना पन शू,
ना बंशु कौन सी किताब, क्या मतलब बनेगा ना बंशु कौन सी किताब। दूसरी मिसाल देखें, ना ग रन ग, ये यहाँ पर मेयर वर्ड है, जी ई, ना ग ना ग ना ग रन, कौन सा आदमी कौन सा पर्सन। इसी मिसाल देखें, नीश ना क्वारन नीश ना क्वारन, तुम किस मुल्क के रहायशी हो, तुम किस मुल्क के रहने वाले हो। यहाँ तक ग्रामर्स के दो पॉइंट सबको समझ आ गए जी माशाल्लाह। आइए तीसरा वर्ड पढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है द, 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 द का मतलब का की या के, इस मायने में इस्तेमाल होता है और ये किसी चीज की मलकियत को भी जाहिर करता है। जैसे कहना हो कि मेरा या मेरी या मेरे, इस मायने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे पहली मिसाल देखें, पापा कहते हैं फादर को, पापा फादर, छ छ मीन गाड़ी कार, पापा द छ, पापा द छ, वालिद साहब की गाड़ी, वालिद साहब की कार। दूसरी मिसाल देखें, पैचिंग पैचिंग, आपने नाम सुना होगा, पैचिंग ये चाइना का कैपिटल है, चाइना का दारुल हुकूमत है। सोंगची कहते हैं आबो हवा को, पैचिंग द खोंगची, पैचिंग द खोंगची, बीजिंग का, बीजिंग की आबो हवा। नीता शोची, शोची कहते हैं मोबाइल फोन को। ये न्यू वर्ड्स हैं कुछ, इनको आप अपने पास नोट कर लें। जैसे पापा छ, पेजिंग, खोंची, शोची, ये आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, आप इनको अपने अपनी कॉपी पर नोट्स कर लें। नीता शोची तुम्हारा मोबाइल। अगला वर्ड है न, न, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक सवाल करने का अंदाज है। जैसे अगर आप यहाँ पर पहली मिसाल देखें, वॉश चुन क्वारन नीना, वॉश चुन क्वारन नीना, वॉश चुन क्वारन नीना, मैं चाइनीज पर्सन हूँ और तुम, मैं चाइना का रहने वाला हूँ, मैं चाइनीज हूँ और तुम। दूसरी मिसाल देखें, वॉश श्वेशंग, वॉश श्वेशंग, मैं स्टूडेंट हूँ, नीना और तुम। जहाँ तक हमारे ग्रामर के पॉइंट्स मुकम्मल हुए, इसमें से अगर किसी को कुछ समझना आई हो तो वो पूछ सकता है। आगे हम टोन्स की प्रैक्टिस करते हैं। हमने शुरू में टोन्स की अल्फाज की प्रैक्टिस की थी, इनिशियल और फाइनल अल्फाज की। यहाँ पर कुछ इनिशियल अल्फाज जिक्र किए गए हैं, उनके उनको किस तरह अदा करना है उसको नक्शों के जरिए समझाया जा रहा है। जब जेड एच को पढ़ेंगे तो इसको अदा करते हुए सिर्फ आवाज मुंह से बाहर निकलेगी, आवाज के साथ सांस बाहर नहीं आएगी। जैसे जेड एच को पढ़ेंगे तो ये देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो जेड एच के ऊपर जो तस्वीर है उसमें मुंह से बाहर आवाज सांस नहीं निकल रही। कैसे पढ़ेंगे, छ छ, जैसे इसको अदा करते हुए अपने मुंह के आगे हाथ रखें और फिर आप अंदाजा करें क्या मेरे मुंह से अल्फाज
आवाज के साथ साथ सांस भी बाहर निकल रही है या नहीं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ठीक पा रहा हूँ या गलत पा रहा हूँ। छ छ छ दूसरा वर्ड है, जेड एच को किस तरह पढ़ेंगे, तमाम मिलकर पढ़िए, छ छ छ छ जी। दूसरा वर्ड है सी एच, सी एच को किस तरह पढ़ेंगे, छ छ छ जी। इसको अदा करते हुए मुंह से आवाज के साथ साथ सांस भी बाहर निकलेगी जी। तमाम स्टूडेंट अपने अपने मुंह के आगे हाथ रख के चेक करें, इसको अदा करें, छ छ छ जी। अगला वर्ड है सी एस एच, एस एच, एस एच को अदा करते हुए मुंह से आवाज के साथ साथ थोड़ी सी सांस भी बाहर निकलेगी, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, श श श जी। आगे है आर, आर को किस तरह पढ़ेंगे, ज ज ज। इसमें भी आवाज के साथ साथ थोड़ी सी सांस भी निकलेगी, जैसे जिस तरह एस एच को अदा किया था उसी तरह आर को भी अदा करेंगे, ज। इसमें भी तकरीबन सेम ही आवाज के साथ सांस भी बाहर निकलेगी। यहाँ पर टोंस का एक कायदा बयान कर रहे हैं, जो हमने ई लफ्ज पढ़ा, ई के अदायगी पहली तीन टोंस के साथ, जब ई के बाद वाला जो हर्फ होगा, जो लफ्ज होगा, उस पर पहली दूसरी या तीसरी टोन आ जाए, जो ई की टोन होगी वो क्या होगी, उस पर चौथी टोन आएगी। फिर सुन लें कि जब ई के बाद वाले लफ्ज पर पहली दूसरी या तीसरी टोन आ जाए, तो वहां पर ई के ऊपर कौन सी टोन आएगी, जी चौथी टोन आएगी। दूसरा कायदा बयान कर रहे हैं कि जब ई के बाद वाले हर्फ पर, ई के बाद वाले लफ्ज पर चौथी टोन आ जाए, तो उस वक्त ई पर दूसरी टोन आ जाए। यहाँ पर आप जैसे तीन अल्फाज आप देख रहे हैं कि अगर ई के बाद चौथी टोन आ जाए तो ई की टोन को दूसरी टोन में बदलेंगे। जैसे अगर इसको पढ़ेंगे तो ईटिंग, ईटिंग, ईटों, ईटों, ईक्वाय, ईक्वाय, ईक्वाय जी। जी अब बता रहे हैं कि जब ई नंबर्स के साथ आएगा, किसी गिनती के साथ आएगा, तो फिर ई के ऊपर पहली टोन ही रहेगी, ई के ऊपर पहली टोन ही रहेगी। जैसे टी ई, टी ई, टी ई कहते हैं पहला, फर्स्ट, शिंची ई, शिंची ई, शिंची कहते हैं हफ्ते को, ई कहते हैं ए को, यानी हफ्ते का पहला दिन, इसको मंडे बोलते हैं, पीर को, शिंची ई मीन मंडे, पीर। आगे पाए फंच ई, पाए फंच ई, इसका मतलब होता है, यहाँ पर बता ये रहे हैं कि यहाँ पर गिनती के साथ आया तो यहाँ पर ई पर फर्स्ट टोन आएगी, वैसे इसका मतलब है एक फीसद, पाए फंच ई एक फीसद। ये पहले तीन अल्फाज रह गए तो इनको भी पढ़ लेते हैं, ई चांग, ई चांग, ई थ्याओ, ई थ्याओ, ई चौंग, ई चौंग जी। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो, यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल होता है।
लेसन नंबर 4 हमारा मुकम्मल हुआ। आप अपने अपनी बुक्स पे देखेंगे सफ़ा नंबर 24 पर कुछ सवालात दिए गए हैं, आप इन सवालात को पढ़ें। और उनके जवाबात लिखने से पहले आप जो हमने न्यू वर्ड्स पढ़े इस लेसन के उनको अच्छी तरह से याद करें, कोशिश करें ज़ुबानी याद कर लें उनको, और जो डायलॉग्स हैं उनको भी ज़ुबानी याद करें, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, और उसके बाद इन अल्फाज इन जो सवालात दिए गए हैं यहाँ पर उनके जवाबात लिखें। फिर नीचे कुछ खाली जगह दी गई है उस खाली जगह को भी फिल करें। फिर जो हमने अल्फाज की मशक की जेड एच सी एच एस एच और आर की, इन अल्फाज के बाद कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाजों को बार बार पढ़ के उनकी प्रैक्टिस करें बार बार। उसके बाद जो हमने कायदा पढ़ा आई के ई के ऊपर कौन सी टोन आएगी, इन अल्फाजों को भी बार बार पढ़ें, इनको इस रूल को याद कर लें। यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल होता है, इंशाल्लाह अगले लेसन में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, शेशे नीमन, ज़ैतियन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।